किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी आज हमारे बीच हैं। पुष्पेंद्र जी, वो मुजफ्फरनगर क्षेत्र का एक गांव है भूमा, तो वहां पर किसानों के बीच में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे और हमने निवेदन इनसे किया कि हम बात करें इनसे किसानों की समस्याओं पर, किन मुद्दों को लेकर के ये घर घर जमीन जमीन गाँव गाँव जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, ये बता सकते हैं कि आज आप जो दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ किसानों के बीच आए हैं? ये असल में आज ही नहीं आए हैं, आज तो इस क्षेत्र में आए हैं, भूमा गांव में आज हम आए हैं। ये हमारा जो पूरा कार्यक्रम है ये पिछले 6 जुलाई को शुरू हो गया था, यानी आज पूरा 1 महीना हो गया है। 3 जुलाई में जो हमारी सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई थी जी, और उसमें ये तय किया गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी संगठन हैं, जो भी उसके घटक संगठन हैं, वो सारे 31 जुलाई तक वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे जी। उसमें जगह जगह हम लोगों ने गांव-गांव मीटिंगें की हैं, बैठकें की हैं, हमने सेमिनार किए हैं, प्रेस वार्ताएं की हैं, और जो वादा खिलाफी की गई है किसानों के साथ में, वास्तव में जो किसानों का आंदोलन चल रहा था और वो लगभग 1.25 साल चला, तो उस वहाँ से धरने को उठाने के लिए सरकार ने हमसे कुछ वादे किए थे और उन वादों में से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। तो इस कारण से वहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि हम इस सरकार के इन वादों के जो खिलाफी हुई है उसको जन जन तक पहुँचाएंगे, गांव गांव तक बताएंगे कि आपके साथ में ये धोखा हो चुका है जी। उनमें से मतलब जो हमारे मुख्य थे, वो तो मेरे ख्याल से सभी को पता है कि हमसे 9 मांगों का हमारा मांग पत्र था, 9 में से 8 मांगों पे सहमति बन गई थी, 8 में से केवल 1 मांग नहीं मानी गई थी, वरना सब पे सहमति दिखाई थी सरकार ने। उसमें ये था कि 700 के आसपास जो हमारे किसान भाई शहीद हुए थे उनको मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा ये था कि जो मुकदमे लगभग 1626 मुकदमे किसानों के ऊपर किए गए थे इस आंदोलन के दौरान, कि वो सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। तीसरा ये था कि लखीमपुर कांड जो हुआ था, जिसमें 4 किसानों की हत्या कर दी गई थी सोची समझी साजिश के तहत, उसके दोषियों को सजा मिलेगी, प्लस जो अजय मिश्र टेनी हैं उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। अब जो गवर्नमेंट की जांच एजेंसी है उसने बता दिया कि वो दोषी हैं, वो साजिश थी, सोची समझी हुई साजिश थी, उसके बावजूद भी उनको वहाँ से नहीं हटाया गया, हमारे मुकदमे भी वापस नहीं हुए, हमें मुआवजा भी नहीं दिया गया। और सबसे प्रमुख एक मांग जो हमारी थी कि MSP, हमें स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे हमें MSP दिया जाएगा, MSP घोषित किया जाएगा, और उसमें प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि, मतलब पिछले वर्ष जो भी भारतीय रिजर्व बैंक बताएगा कि मुद्रा स्फीति की दर ये रही है, उसी दर से हमारी कीमत बढ़ा दी जाएगी, ऐसा वादा हमसे किया गया था। इस सब के लिए एक कमेटी गठित करने की बात की कि एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और उसमें 4 से ज़्यादा सदस्य, अब 4 से ज़्यादा कम से कम 5 तो होते ही हैं, कि कम से कम 4 से ज़्यादा सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे। अब पिछले महीने वो कमेटी बनी, उस कमेटी में 12 सदस्य पहले से ही गवर्नमेंट ने तय कर दिए हैं, हमसे कहा गया कि आप 3 सदस्य ले आएँ, और 3 सदस्यों के नाम देने के लिए भी हमें ऑप्शन दी गई कि इनमें से आप अपने मतलब 3 प्रतिनिधि भेजें। अब वास्तव में ये एक धोखे से बड़ा धोखा एक और हो रहा है कि जो 12 सदस्य जो गवर्नमेंट ने अपने दिए हैं, इन 12 में से हम ये कहेंगे किसान हितेशी एक भी नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जिन लोगों ने जिन 3 कानूनों के खिलाफ यहाँ पे मतलब हमारे दूसरे जन किसान भाई, पूरे देश के किसान 1.25 साल तक पड़े रहे हैं गर्मी सर्दी बरसात में, उन कानूनों को बनाने वाले, उन कानूनों के ड्राफ्ट्समैन उस कमेटी में शामिल हैं। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बीच का रास्ता निकालेंगे? ये हमसे धोखा हुआ। तो इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट हमने 31 जुलाई तक वहाँ पर मतलब निर्णय लिया गया था कि 31 जुलाई तक हम ये काम करेंगे कि इस वादा खिलाफी को जन जन तक पहुंचाएंगे। अब हमारा क्या कल से 7 तारीख से और 18 अगस्त तक का कार्यक्रम ये है कि जो अग्निवीर योजना है जी, जो अग्निवीर योजना के लैकुनाज हैं, जो इसके कितने कमियां हैं, जो बीच में तकनीकी खामियां हैं, हम उन चीज़ों को जन जन तक पहुंचाएंगे।
जी 18 जी जी आप पूछिए जी। पुष्पेंद्र जी, वो हम आपके पास समझ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मेरा सवाल, माफ़ी चाहता हूँ बीच में मैंने पूछा कि आपको नहीं लगता कि एक मोमेंटम जो बना हुआ था, जो सरकार एक प्रेशर में खुद को महसूस कर रही थी कि वो दबाव में है सरकार, और जब आप लोग वहाँ से आ गए तो प्रेशर जो था वो कमज़ोर हो गया, और अब लोगों को इकट्ठा करना, किसानों को जागरूक करना एक मुश्किल काम हो गया, और आप फिर से आंदोलन? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे प्रतिनिधि अभी जैसे हमारी के 3 तारीख में मीटिंग थी, 3 जुलाई में जो हमारी मतलब बैठक हुई है, उसमें जितने लोगों को बुलाया गया था, आप यकीन करें कि 100% हमारी उसमें उपस्थिति रही है। जिस एक फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस के बाहर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी, उसके अंदर तो हालांकि करीब 260 लोग थे जो आमंत्रित थे, केवल के कोर कमेटी के मतलब सदस्य थे, लेकिन बाहर हजारों लोग थे, और वो इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से किसी आंदोलन की घोषणा होती है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने चूंकि हरियाली तीज यहाँ पे होती है, इसलिए 31 जुलाई का चक्का जाम वापस ले लिया था, लेकिन बाकी स्टेट में तो चक्का जाम हुआ है। तो इस चीज़ की कोई समस्या नहीं है कि जो मोमेंटम था, बहुत बड़ा मोमेंटम था, वो दोबारा से फिर हासिल किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग आम लोग हैं, किसान लोग हैं, हम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मौसम कैसा है। इस देश के किसानों ने वो दिखा दिया कि वो गर्मी, सर्दी, बरसात, वो मतलब हर बार मतलब हर मौसम में वहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे पड़ा रह सकता है, आंदोलन कर सकता है, तो वो समस्या नहीं है। एक समस्या दूसरी जो हुई है, गवर्नमेंट के दिमाग में ये समस्या है। गवर्नमेंट ने उस समय उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था चुनाव का, कि यूपी का चुनाव हम किसी तरह निकाल लें, और उसके बाद में चूँकि बीच में जो हमारे कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, उनका एक बयान आया कि ये जो 3 कृषि कानून हैं ये हमने वापस लिए हैं, ये वापस नहीं लिए हैं, ये कुछ समय के लिए स्थगित किए हैं। हमारा भी जवाब उनको यही है कि हमने भी आंदोलन वापस नहीं लिया है, हमारा आंदोलन भी स्थगित ही हुआ है। जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि वो कानून फिर से आने वाले हैं या अपने वादों पे सरकार खरा नहीं उतरती है, हम फिर दोबारा से दिल्ली जाके बैठ जाएंगे। पुष्पेंद्र जी, एक और इसमें मैं नई चीज़, चूँकि आप ही से ये सवाल पूछ रहा हूँ जी, क्योंकि इसमें हमने नई चीज़ और देखी है कि विभिन्न किसान संगठनों को भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से उनमें फूट डालने की कोशिशें हुई जी। जैसे भारतीय किसान यूनियन में फूट गई, कहीं जाति के आधार पर लोग बांटे गए, कहीं जो है वो कहीं ठाकुर के आधार पर लोग बटे, कहीं जाट कहकर के लोग बटे जी। हाँ, तो अब जो मैं समझ रहा हूँ कि ये जाति वाला जो सीन है, जिससे किसानों को पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं है कि सरकार जो है आंदोलन के स्थगित होने के बाद, बकौल आपके शब्दों में, शांत बैठ गई हो, कंटिन्यूसली वो किसानों के बीच में उनको अपने पक्ष में मोड़ने का एक अभियान लगातार इंटरनल चलाती रही, तो क्या कमज़ोर हुए आप लोग? नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं लेता। देखिए, मतलब सरकार अपनी कोशिशें करती रहती है, और ये आज की बात नहीं है। जो भी आंदोलनरत लोग होंगे, उन लोगों की आपसी एकता को तोड़ने का प्रयास ये सरकार करती रहती है, और इस सरकार का जो एजेंडा है वो अलग अलग मुद्दों पे, धर्म के मुद्दों पे, पाकिस्तान के मुद्दे पे, ज्ञानवापी के मुद्दे पे, जितने मुद्दे इनके पास हो सकते हैं, अलग अलग मुद्दों पे आंदोलनकारियों को फंसाने का काम करते रहते हैं। लेकिन अब इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश की आम जनता जागृत हो चुकी है। आप लोग लड़ेंगे, मतलब फाइनली है? बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये जन जागरण अभियान जो आप गांव-गांव घूम के चला रहे हैं जी, ये वही तैयारी है जी, वही तैयारी। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी।